हेलो, मैं हूँ विशेष। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विशेष एजुकेशन पर। आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का लेसन नंबर 2 अ फेलो ट्रेवलर, इसकी हिंदी मीनिंग को जानेंगे। इसके पहले मैं कई वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने शुरुआती जो स्टार्टिंग के जो पैसेज हैं उनकी हिंदी मीनिंग को समझा है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लेसन की हिंदी मीनिंग जानने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप। एज्यूम माने होता है मान लेना, ठीक है। सपोज जैसे होता है सपोज, वैसे ये मान लेना। तो आई एज्यूम, मैं मान लेता हूँ द ब्लैक कैप, काली टोपी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इस लेसन को पढ़ा है उनको पता होगा कि ये जो पैसेज है कि कौन सी कहानी के बाद है। ये पैसेज तब का है जब मच्छर जो था वो बार बार एजी गार्डनर को परेशान कर रहा था। तो बहुत ही परेशान हो गए वो, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूँ मैं काली टोपी मान लेता हूँ। काली टोपी मानने का मतलब ये है कि वो अपने आप को वहाँ पर एक जज मान रहे थे, क्योंकि एक जज जो होता है वो काला कोट और काली टोपी लगाकर बैठता है, ठीक है। कई देशों में भी ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं काली टोपी धारण कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को एक जज मान लेता हूँ। और क्या उन्होंने कहा कि आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने आप को जज मान लेता हूँ और मैं मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ तुम्हें। जस्टिस डिमांड इट, डिमांड मैंने मांग होना, जस्टिस मान न्याय। तो उन्होंने कहा कि न्याय की मांग अब यही है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने आप को एक जज मान लेता हूँ, ठीक है, और मैं तुमको कंडेम यू टू डेथ, कंडेम टू डेथ माने मृत्यु की सज़ा देना, और मैं तुमको मृत्यु की सज़ा देता हूँ। न्याय की यही मांग है एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। अवार्ड माने वैसे तो इनाम होता है, यहाँ पर स्वीकृति है, और न्यायालय जो है वो इसकी स्वीकृति देता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने आप को एक जज मान लेता हूँ और मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुना देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को जज मान रहा हूँ और मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुना रहा हूँ। न्याय की यही मांग है और न्यायालय जो है मुझे इसकी स्वीकृति देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, काउंट्स माने क्या होता है आरोप, अगेंस्ट यू माने तुम पर। तो उन्होंने मच्छर से क्या कहा कि तुम पर जो आरोप लगे हैं आर मैनी, बहुत सारे हैं। उन्होंने क्या कहा कि द काउंट्स अगेंस्ट यू, कि तुम पर जो आरोप लगे हैं आर मैनी, वो बहुत सारे हैं। पहला आरोप क्या बताया उन्होंने कि यू आर अ वैगरेंट, वैगरेंट माने तो आवारा। पहला उन्होंने आरोप ये लगाया कि तुम एक आवारा जीव हो, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, और तुम जनता के लिए बहुत ही कष्टदायी हो। पब्लिक न्यूसेंस माने जनता के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाला, ठीक है। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा भी कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, मीट कूपन का मतलब होता है किसी का खून बहाना या खून लेने का अधिकार, उसको मीट कूपन बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास किसी का भी खून लेने का अधिकार नहीं है। फॉर दीज, इन सब अपराधों के लिए, एंड मैनी अदर मिसडेमीन अवर्स, मिसडेमीन अवर्स मैंने क्या था छोटे मोटे अपराध, ठीक है। तो इन सब अपराधों के लिए और कई छोटे मोटे अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई। अबाउट टू माने होता है वाला वाली, या फिर वाले के लिए लगाते हैं, ठीक है, कि तुम अब मरने वाले हो। लेखक आगे कह रहे हैं कि आई स्ट्रक, मैंने प्रहार कर दिया, स्विफ्ट बड़ी तेज, लीथल घातक, ब्लो माने घुसे के साथ, विद माय राइट हैंड अपने दाहिने हाथ से। तो लेखक ने कहा कि मैंने अपने दाहिने हाथ से क्या किया कि बहुत तेज और बहुत ही घातक प्रहार किया उस मच्छर पर। ही डॉक्ड, लेकिन क्या हुआ कि वो चकमा दे के, डॉग माने तो चकमा दे देना, द अटैक, उस हमले को, लेकिन वह उस हमले को चकमा देकर निकल गया। विद एन इंसोलेंट ईजी, बड़े ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से वो बच गया। डैट ह्यूमिलिएटेड मी, ह्यूमिलिएट माने तो अपमानित महसूस करना। उन्होंने कहा जिससे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने आप को एक जज मान लेता हूँ, ठीक है। एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने समझ गए होंगे आप लोग कि काली टोपी धारण करने का मतलब है कि अपने आप को जज मान लेना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को जज मानता हूँ और मैं तुमको मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय की मांग यही है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय जो है वो इसकी स्वीकृति देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू,
तुम पर जो आरोप लगे हुए हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि यू आर ए वैगरेंट, तुम आवारा हो पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात कि तुम जनता के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाले हो, कष्टदायी हो, तुम बिना टिकट की यात्रा भी कर रहे हो और तुम्हारे पास किसी का भी खून चूसने का अधिकार नहीं है। इन सब अपराधों के लिए और अन्य छोटे मोटे अपराधों के लिए अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो, मैंने बड़ी तेज और घातक प्रहार किया उस मच्छर पर, लेखक कह रहे हैं, विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। लेकिन क्या हुआ कि ही डॉग्ड द अटैक, वह उस हमले से बच निकला, विद एन इंसोलेंट ईजी, बड़ी ही आसानी तरीके से। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे बहुत ही अपमानित महसूस हुआ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसके कॉन्स्ट्रक्ट और एक्सप्लेनेशन को। तो कॉन्स्ट्रक्ट में क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन, सॉरी रेफरेंस में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एक लेसन का जो रेफरेंस होता है वो सभी पैसेज में सेम रहता है, ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट जो हमारा लेसन नहीं आता, ठीक है। तो रेफरेंस तो इसमें वही वाला रहेगा शुरुआत में जो लिखा आया था कि दीज लाइन्स या फिर दिस पैसेज, बैसेज लिखेंगे तो हैज बिन लगाना पड़ेगा, लाइन्स लिखेंगे तो हैव बिन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई ए जी गार्डिनर, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट में क्या लिखना है कि द राइटर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, ठीक है, लेखक एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। देखो इसकी इसमें कॉन्स्ट्रक्ट वैसे क्या होता है कि हम मेन पॉइंट्स को लिखते हैं, लेकिन इस लेसन में क्या है, ज़्यादातर मेन पॉइंट्स में हमको ये बात तो बतानी ही पड़ेगी कि लेखक जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि इसका हर एक पैसेज जो है उसका पहलू इस प्रकार का है कि हमें क्या होता है कि हमें कुछ पिछली कहानी के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि हर एक पैसेज, अगर हम पैसेज को अलग अलग पढ़ना शुरू करें तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहानी कब की है और कहाँ की कहानी है। इसीलिए हमको ये बात तो बतानी ही पड़ेगी कि लेखक जो थे, हर पैसेज में हमको ये बात बतानी पड़ेगी, जब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कॉन्स्ट्रक्ट में एक्सप्लेनेशन में हमको ये बात बतानी पड़ेगी कि लेखक जो थे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका सहयात्री एक मच्छर था, ठीक है, और उससे झगड़ा हो गया, उनको परेशान कर, ये सब बातें हमको पिछली जो बातें हैं उनको ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, लेखक जो थे वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ये जो फेलो ट्रेवलर, उनका जो सहयात्री था वाज ए मॉस्किटो, कौन था, एक मच्छर था, वो डिस्टर्ब हिम वेरी मच, जो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। फर्स्ट पहले क्या हुआ, आथर एक्सप्लेन्ड हिम, लेखक ने उनको समझाया, ठीक है, लेखक ने क्या किया, अपने जो सहयात्री जो था, मच्छर जो था उनको सहयात्री, उन्होंने उसको समझाया पहले तो, इन एवरी वे, हर तरीके से। तो लेखक ने क्या किया कि हर संभव तरीका जो एक मनुष्य के लिए संभव था उस मच्छर को समझाना, तो उन्होंने सभी तरीके अपना लिए, उसको समझाया भी कई बार, लेकिन क्या हुआ, बट ही डिड नॉट ओबे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी, एंड एक्सेप्ट हिज सजेशन, और उनके सुझाव को स्वीकार भी नहीं किया, ठीक है। नॉट जो है वो दोनों वर्ब्स के लिए हैं। तो लेखक जो थे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उनका जो सहयात्री था वो भी एक जो एक मच्छर था, ठीक है, और वो उनको बार बार परेशान कर रहा था। सबसे पहले तो लेखक ने अपने उस सहयात्री को यानी कि मच्छर को समझाया हर संभव तरीके से, लेकिन उसने मच्छर ने जो है लेखक की बात नहीं मानी और उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। दिन तो क्या हुआ, द आथर वाज रेडी टू किल हिम, लेखक फिर उसको मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद भी बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था वो मच्छर लेखक को, इसलिए लेखक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मन में तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब तो इसको मार के ही रहना है। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर से लेखक कहते हैं, डैट सीइंग द डेंजरस एक्टिविटीज, कि खतरनाक गतिविधियों को देखते हुए, एक्टिविटी मैंने क्या था, गतिविधियों, डेंजरस मैंने खतरनाक, क्योंकि मच्छर बार बार कहीं ना कहीं आकर बैठ जाता था और उन्हें काटने लगता था, ठीक है। तो लेखक ने कहा, इन लाइनों में लेखक जो है कहते हैं कि मच्छर के खतरनाक कामों को देखकर, खतरनाक गतिविधियों को देखकर ही वारंट हिन, उन्होंने इसके चेतावनी दी फॉर पनिशमेंट, सजा के लिए, तो उन्होंने इसको सजा के लिए चेतावनी दी। ही टोल्ड हिम डैट ही वाज ऑथराइज्ड, तो उन्होंने यानी कि लेखक ने उसको बताया कि उनके पास ऑथराइज्ड माने क्या होता है, अधिकार होना, ठीक है, तो उनके पास अधिकार था टू कंडेम हिम टू डेथ, उसे मृत्यु की सजा देने का। तो लेखक ने मच्छर को समझाया कि जाओ यहाँ से, उसको भगाया भी वो कई बार, तो उसको भगाकर कई बार संकेत दिया इस बात का, समझाया उसको कि जाओ यहाँ से, लेकिन मच्छर ने उनकी बात नहीं मानी। तो लेखक ने कहा कि मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं तुमको मृत्यु की सजा दे सकता हूँ, तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ही चार्ज्ड हिज फेलो ट्रेवलर, उन्होंने अपने सहयात्री पर आरोप लगाए, चार्ज माने क्या होता है, आरोप लगाना।
डैट ही हैज़ नो टिकट ऑफ रेलवे, कि उसके पास रेलवे का टिकट नहीं है, नो लाइसेंस, लाइसेंस भी नहीं, ऑफ मीट, मांस वगैरह का, कि किसी के शरीर से मांस वगैरह खाए या खून वगैरह चूसे, तो इसका भी उसके पास लाइसेंस नहीं है। ही वाज ए वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड माने वही होता है जो वैग्रेंट माने होता, ठीक, तो इसके माने भी क्या होता है, आवारा। तो वो एक आवारा जीव था एंड ए पब्लिक न्यूसेंस, और सबसे बड़ी बात तो जनता के लिए वो कष्टदायी था। फार दीज, इन सब अपराध एंड मैनी अदर मिसडे मीनवर्स, और अन्य छोटे मोटे अपराध, अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन में मिसडे मीनवर्स की जगह पर लिख सकते हैं कि ट्रिफल क्राइम्स या लिटिल क्राइम्स, ठीक है, स्मॉल क्राइम्स ही लिख सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। ही शुड बी सेंटेंस टू डेथ, उसे मृत्यु की सज़ा दे देनी चाहिए। तो लेखक ने कहा कि इन लाइनों में लेखक जो है कहते हैं कि जब मच्छर की खतरनाक हरकतों को देखते हुए उन्होंने उसको सज़ा के लिए चेतावनी दी, उन्होंने उसको चेतावनी दी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको सज़ा मिलेगी, और उन्होंने मच्छर को ये बात भी समझाई कि मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं तुमको मृत्यु की सज़ा दे दूँ। उन्होंने अपने सहयात्री पर आरोप लगाया कि पहली बात तो उसके पास टिकट नहीं रेलवे का, बिना टिकट की यात्रा कर रहा है वो, दूसरी बात किसी का भी मांस खाने का या किसी का भी खून चूसने का उसके पास अधिकार नहीं है, या फिर आप लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, नो लाइसेंस ऑफ सकिंग ब्लड ऑफ एनीवन, ठीक है। तो ऑफ सकिंग माने चूसना, ब्लड माने खून, तो खून, किसी का भी खून चूसने का उसके पास अधिकार नहीं था। ही वॉज अ वैगाबॉन्ड, वो एक आवारा था एंड ए पब्लिक न्यूसेंस, और जनता के लिए कष्टदायी था, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस की जगह पर अगर हम कुछ लिखना चाहें, ट्रबलसम फॉर द पब्लिक, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन में ये यूज़ कर लेंगे। फॉर दीज, इन सब अपराधों के लिए और छोटे मोटे अन्य अपराधों के लिए उसे मृत्यु की सज़ा ही दे देनी चाहिए। द राइटर फर्दर सेज, फर्दर माने FURTHER, फर्दर माने क्या होता है, आगे। लेखक जो है आगे बताते हैं डैट ही स्ट्रक द मॉस्किटो ऑफ, ही उन्होंने मच्छर पर प्रहार करके भगाया उसको, हिज नोज, अपनी नाक के ऊपर से। तो उन्होंने बताया कि पहले, सबसे इसके पहले के पैसेज में था कि मच्छर जो था वो उनके नाक पर आकर बैठ गया था, तो उन्होंने एक प्रहार करके उसको अपनी नाक के ऊपर से भगाया, विद ए शार्प लाइट ब्लो, तेज और हल्का प्रहार किया, क्योंकि नाक पर बैठा हुआ था तो हल्के प्रहार उन्होंने किया, लेकिन बड़ी तेजी के साथ किया, बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए उन्होंने किया, विद इज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने दाहिने हाथ से उस पर बहुत ही तेज लेकिन एक हल्का सा प्रहार किया और उसको अपनी नाक के ऊपर से उड़ाकर भगा दिया। बट ही फ्लू अवे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह तो उड़ गया, ठीक है, वह तो उड़ गया, और टू सेव हिमसेल्फ, और जाकर अपने आप को बचा लिया। एंड द राइटर फेल्ट हिमसेल्फ असेम्ड, और लेखक को क्या हुआ कि लेखक को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, वेरी मच माने बहुत ही ज़्यादा। तो जब लेखक ने क्या किया कि अपने दाहिने हाथ से उसको भगाया, उसको मारने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया था, लेकिन वह बच निकला और अपने आप को उस हमले से बचा लिया। तो लेखक ने जब देखा कि एक छोटी सा जीव, छोटा सा एक मच्छर उनके प्रहार से बच गया, तो उनको मन ही मन में बहुत ही हीन भावना महसूस हुई, मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस किया उन्होंने अपने आप को, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले पैसेज की ओर। तो अगला पैसेज दिया हुआ है कि माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज्ड, पर्सनल माने व्यक्तिगत, वैनिटी माने मर्यादा, एरोज माने वैसे भड़क उठना, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो व्यक्तिगत जो मर्यादा थी अब वो भड़क उठी, क्योंकि बहुत ही उनको गुस्सा आ गया, मन ही मन में अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करने लगे कि बताओ छोटे से जीव को नहीं मारे पा रहे हैं हम, ठीक है। तो उनकी जो व्यक्तिगत जो मर्यादा जो थी वह भड़क उठी। आई लंग्ड एट हिम, तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर झपटा, लंग्ड माने क्या होता है, झपटना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आई लंग्ड एट हिम, कि मैं उस पर झपटा, विद माई हैंड, अपने हाथ से। तो उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहली बात तो अपने हाथ के द्वारा उस पर झपटा, विद माई पेपर, अपने अखबार के द्वारा, ठीक है, जो पेपर बैठे हुए पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, उसके द्वारा उस पर उन्होंने अखबार के जरिए उसको मारने की कोशिश की। आई जम्प्ड ऑन द सीट, कह रहे हैं कि मैं सीट पर कूदा, एंड परसीव्ड, और उसका पीछा किया, अराउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर। तो लेखक ने बताया कि मेरी जो व्यक्तिगत जो मर्यादा थी, अब ये मेरी आत्मसम्मान का उनके लिए सवाल था ये, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो व्यक्तिगत मर्यादा थी अब वो भड़क उठी, मैं उस पर अपने हाथ से अपने पेपर के द्वारा झपटा, और मैं सीट पर भी कूदा, और उसका लैम्प के चारों ओर पीछा भी किया मच्छर का। आई अडॉप्टेड, अडॉप्ट माने होता अपनाना, तो मैंने अपनाई टैक्टिक्स, चालें, टैक्टिक्स माने चालें,
आप फेलाइन, फेलाइन होता है कैट लाइक, बिल्ली के जैसा, ठीक है। कनिंग माने चालाकियाँ। तो कह रहे हैं कि मैंने बिल्ली की जो चालाकियाँ होती हैं, बिल्ली वाली जो चाल होती हैं शिकार को पकड़ने के लिए, वो चालाकियाँ अपने बिल्ली क्या करती हैं कि जब भी किसी चूहे को देखती है, जब भी अपने शिकार को देखती है, तो हल्का सा पीछे जाकर वो बैठ जाती है और अपने शिकार पर पूरा फोकस करती है और फिर एकदम क्या करती है, उस पर झपट पड़ती है। तो लेखक ने भी बिल्ली वाली चालाकियाँ अपनाई। उन्होंने भी क्या किया, वेटिंग, प्रतीक्षा की, टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक कि वो नीचे उतर कर नहीं आएगा। तो लेखक भी चुपचाप बैठ गए कोने में, मच्छर को देखते रहे और जब तक वो नीचे नहीं आ गया तब तक उसका वेट किया। अप्रोचिंग, फिर जब वो नीचे आ गया तो अप्रोचिंग, जाते हुए, विद ए हॉरिबल स्टील्थ, हॉरिबल माने बहुत ही भयंकर तरीके से, स्टील्थ माने शांति, तो बहुत ही ज़्यादा शांति कह सकते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, पता भी नहीं चला मच्छर को कि कब लेखक आ रहे हैं उसके पास। तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर शांति के साथ, चुपचाप तरीके से, स्ट्राइकिंग विद ए सडन, पास जाकर बड़ी तेज़ी से उस पर प्रहार कर दिया, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर तेज़ी के साथ, गुस्से में तो थे तो बहुत ही चुपचाप धीरे धीरे दबे पाँव गए उसके पास और बड़ी तेज अचानक प्रहार उस पर कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि मेरी जो व्यक्तिगत जो मर्यादा थी अब वो भड़क उठी, तो मैं उस मच्छर पर झपटा अपने हाथ के द्वारा और अपने न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे थे अखबार के द्वारा, और वो बता रहे हैं कि मैं अपनी सीट पर भी कूदा, ठीक है। मच्छर का उन्होंने पीछा किया लैंप के चारों ओर और उन्होंने बिल्ली वाली चालाकियाँ अपनाई और उन्होंने प्रतीक्षा की मच्छर की, जब तक कि नीचे उतर कर नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे गए मच्छर के पास और अचानक और बड़ी तेज़ी से उस पर जाकर प्रहार कर दिया, लेकिन वो फिर भी बच गया। तो अगला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ए ग्रेट बैटल वाज गोइंग ऑन, कि बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था बिटवीन द राइटर, लेखक के बीच में, एंड द मॉस्किटो, और मच्छर के बीच में। तो इस पैसेज में क्या है, बताया गया है कि एक मच्छर और लेखक के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था क्योंकि अब वो उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो द मॉस्किटो कॉन्स्टेंटली मैंने मतलब लगातार डिस्टर्ब, परेशान कर रहा था द राइटर, लेखक को, क्योंकि मच्छर जो था लगातार बार बार लेखक को परेशान कर रहा था मना करने के बावजूद भी, इसलिए लेखक को बहुत ही गुस्सा आ गया, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तो सिचुएशन डिब्बे में ऐसी हो गई थी कि जैसे कि लग रहा हो कि बहुत बड़ा कोई युद्ध चल रहा है यहाँ पर। बिकमिंग ए जज, एक जज बनकर, न्यायाधीश बनकर, द राइटर सेंटेंस्ड, लेखक ने सजा दे दी द मॉस्किटो, मच्छर को, टू डेथ, मृत्यु की। तो उन्होंने अपने आप को जज मान लिया और उन्होंने उसको, मच्छर को, मृत्यु की सजा दे दी। ही चार्ज द मॉस्किटो इन मैनी वेज, उन्होंने मच्छर पर कई प्रकार के आरोप लगाए, ठीक है। तो इस पैसेज में हमको पता चलता है कि लेखक और मच्छर के बीच में क्या था, एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। मच्छर जो था वो लगातार लेखक को परेशान कर रहा था, तो लेखक ने क्या किया कि अपने आप को जज मान लिया और मच्छर को क्या किया, मृत्यु दंड की सजा दे दी, मृत्यु की सजा दे दी, और उन्होंने मच्छर पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या अब हमको लिखना है, द राइटर थॉट, ठीक है, लेखक ने सोचा, डैट हिज डिसीजन, कि उनका जो फैसला जो था, तो द राइटर थॉट, लेखक ने सोचा कि उनका जो फैसला था वो वाज क्वाइट राइट, वो बिल्कुल सही था। कौन सा फैसला, उसको मृत्यु की सजा देने का। तो लेखक ने कहा कि फैसला बिल्कुल ही सही है, कोई गलत फैसला नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इतने चेतावनी देने के बाद भी, मना करने के बाद भी लेखक की बात को नहीं मानना था। तो ही वांटेड टू किल इट, वह मच्छर को मारना चाहते थे। ही स्ट्रक ए फैटल ब्लो, उन्होंने क्या किया, बहुत ही घातक प्रहार कर दिया, विद हिज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, एंड विद हिज पेपर, और अपने अखबार के द्वारा। ही जंप्ड ऑन द सीट, वह सीट पर भी कूदे, एंड फॉलोड, और पीछा किया हिमा ने उसका। तो लेखक ने सोचा कि उनका जो फैसला, लेखक ने जो फैसला जो लिया था कि नहीं अब इसको मारकर ही रहेंगे इस मच्छर को, तो लेखक ने सोचा कि फैसला मेरा को गलत नहीं है, हम इसको बेकार में थोड़ी ना मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार मुझको परेशान कर रहा था और ये उनकी मर्यादा के बारे में था, आत्मसम्मान के बारे में था। तो उनको थोड़ा गुस्सा ये आ गया कि हम इतने बड़े हैं और इतना छोटा है, मना करने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं मानना है ये। तो लेखक जो थे वो उसको मारना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही घातक, फैटल माने क्या होता है, घातक, ब्लो माने प्रहार, स्ट्रक प्रहार कर दिया, ठीक है। तो लेखक ने क्या किया कि बहुत ही घातक प्रहार कर दिया अपने दाहिने हाथ से उस पर, और अपने अखबार के द्वारा भी प्रहार किया। वह सीट पर भी कूदते हुए चले गए उसके पीछे पीछे इसको मारने के लिए। ही यूज्ड ऑल द
टैक्टिक्स, टैक्टिक्स माने चालें, तो उन्होंने सभी चालें जो थी उनका प्रयोग कर लिया। बट द मॉस्क्यूटो, लेकिन जो मच्छर था डाग्ड, चकमा दे गया एवरी अटैक, हर हमले को। तो बताया गया है कि लेखक ने सभी चालें अपना ली, लेकिन मच्छर जो था उनके हर हमले को चकमा देते हुए बच गया। बट एवरी टाइम ही फेल्ड, लेकिन वह हर समय असफल ही होते गए। तो उन्होंने सभी चालाकियों को अपनाया और मच्छर ने क्या किया, सभी हमलों को चकमा दे दिया और वो हमेशा फेल ही होते रहे। ठीक है, तो मच्छर को मारने का उनका जो एम था, जो डिसीजन था, उस मकसद में ये कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दो ही पैसेज बहुत ही काफ़ी हैं, जिसमें आज हमने दो पैसेज की हिंदी मीनिंग को भी समझा और उसका जो कॉन्स्ट्रक्ट है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगले नए पैसेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।